सोलन विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट के प्रबल दावेदार तरसेम भारती ने प्रदेश सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार ने जीएसटी के लिए 10 लाख का स्लैब रखा है, जबकि अन्य पड़ोसी राज्यों में 20 लाख से अधिक कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए जीएसटी आवश्यक किया गया है। उनका कहना है कि अगर वर्तमान सरकार व्यापारियों के इस दर्द को नहीं समझती है तो आगामी चुनावों में भाजपा प्रदेश में सरकार बनाएगी, जिसके बाद इस योजना को लागू किया जाएगा। भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा जीएसटी में किए गए परिवर्तन से छोटे उद्यमियों पर कागजी बोझ कम होगा। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और व्यापारियों को दी गई छूट पर उनका आभार जताते हैं। भारती ने हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग की कि वे भी जनहित में हिमाचल में जीएसटी दायरा 20 लाख रुपए करें। जो व्यापारियों की एक जीएसटी को लेकर समस्या चल रही थी, उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कुछ ऐतिहासिक फैसले किए हैं और व्यापारियों को राहत देने का काम किया है। उसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और भाजपा सरकार का, जिन्होंने समस्या को देखते हुए उसके समाधान के लिए जो पग उठाए हैं, उससे पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों को राहत मिलेगी। मैं विशेष तौर पे हिमाचल प्रदेश में जो व्यापारी हैं उनकी समस्या है कि जो स्लैब है वो 10 लाख का रखा गया है और कई राज्यों में 20 लाख का है, तो हम भी चाहते हैं कि यहां पर भी 20 लाख की सीमा होनी चाहिए। उसके लिए जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उसे निर्णय लेना चाहिए था, परंतु वो नाकाम रही है, कोई इस प्रकार का निर्णय नहीं हुआ। हम इसलिए दो तीन दिन की सरकार रहेगी, हम चाहेंगे कि वो मामला सरकार के ध्यान में लाएं, इस पर और ध्यान दें। अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो अपने शीर्ष नेतृत्व से हम आग्रह करेंगे कि जब हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनेगी तो इसका जो स्लैब है वो 20 लाख रूपये तक उसको करने के लिए हम कोशिश करेंगे।